रानिया मुझे काफी डिस्टर्ब लग रही। क्यों? I don't know। तो फिर एक काम करो, तुम उसके घर चक्कर लगा लो। हाँ मगर अंकल की गैर मौजूदगी में जाना अच्छा तो नहीं लगेगा ना। मारिया ठीक है। क्या ये सारी जिंदगी अपने बाप के लिए तरसेगा? अरे जाओ जेब जा सबाब तो इसकी खुशकिस्मती नहीं बदकिस्मती की अलामत है। आप ही जिस दिन माँ बनेगी वो उसी दिन आप ही को बेवा कर देगा। वो सिर्फ तुम्हें डरा रहा है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है पिल्ला, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही वसीयतनामा तैयार करा लिया जिसकी रूह से इस तमाम जायदाद की मालिक अब तुम हो। रानिया। जी अबू। रानिया तुम ठीक तो हो? जी अबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आप ये बताएं कि सारी दवाइयाँ मिल गई ना? हाँ दवाइयाँ तो मिल गई। तो चले अंदर, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। ये मेरा गुड़िया। हम कौन हैं? हम आपके पापा हैं, है ना? हम आपके पापा और ये कौन है? ये आपकी मम्मा है। और आप ना अपने पापा की जिंदगी में एक नई शहर बनकर आई है, इसलिए आपके पापा अपनी शहर शाहब को वेलकम कहते हैं। राबिया तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। ट्रस्ट मी। आप खुश हैं ना? ऑफ कोर्स आई एम। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगता था कि शायद आपको बेटे की ख्वाहिश है। राबिया मैं हमेशा से तना रहा हूँ, भाई की कमी तो दोस्त पूरी कर दिया करते थे लेकिन बहन की जगह हमेशा खाली रहती थी। पर आज ये तोहफा देकर तूने जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल कर दिया, जैसे मेरी जिंदगी का खालीपन भर दिया। थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हमारी खुशी को इसी तरह सलामत रखे। आमीन। गुलनान मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने बहुत जल्दी इस इदारे की जिम्मेदारियां संभाल ली। ये तो आप लोगों की रहनुमाई का नतीजा है। अगर आप लोग मेरा साथ ना देते तो इतना बड़ा काम अकेले में संभाल नहीं सकती थी। ये तो तुम्हारी इनकिसारी है। हकीकत बात तो ये है कि तुम जानती हो कि तुम कितने काबिल हो। वैसे भी जब हम चले जाएंगे तो सारी जिम्मेदारियां तुम्हें अकेले ही उठानी है ना। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? उम्रे के लिए। मगर मैं यहाँ अकेली। ओहो भाई अकेली कहाँ हो? अम्मा, फुलवा, सहर, नौकर, चाकर सभी तो मौजूद हैं। और फिर हम वहाँ जाके तुम्हें रोजाना फोन करें। अगर आप लोग कहीं और जा रहे होते तो मैं मना भी कर सकती थी, लेकिन जहाँ जा रहे हैं उसके लिए रोक भी नहीं सकती। फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं मुझे, बल्कि हमें यकीन है कि तुम सब कुछ संभाल लो। तुम फिक्र नहीं करो, अब किसी की नजर नहीं लगेगी। लानिया सबको सेहत देगा। मैं सदके के पैसे दे के आती। अबू कितनी खूबसूरत है ना सेहत, बिल्कुल मेरे जैसी। जी नहीं, देखने ही नहीं, इसका मुंह नहीं बना हुआ बल्कि मुस्कुरा रही है। इसका मतलब है ये अपनी मारिया खाला पे गई है। जी खुशफहमी है आपकी। अरे भाई तुम दोनों लड़ो मत, मुझे बताओ, मैं बताता हूँ किस पे गई है। मैं देखता हूँ। शाबाश। देखो भाई ये अपनी मामा पे गई है ना? हाँ। लो भाई लो। ओ माशाल्लाह। ओ ले ले ले, ओ ले ले। ओ नहीं नहीं। खाला के पास आ जाओ। तुमने इसका इतना अच्छा नाम रखा है ना सहर, माशाल्लाह। अंकल मैं और राबिया तो इसका नाम रोशनी रखना चाहते थे, लेकिन जैसे ये मेरे हाथों में आई जाने क्यों बेख्तियार मेरे मुंह से सहर निकल आया। ऐसा महसूस होने लगा जैसे इससे ज्यादा खूबसूरत नाम इसके लिए कोई और हो ही नहीं सकता। वाह सही। वो आलम के ससुराल से फोन आया था। अच्छा खैर तो है? हाँ सही। वो रानिया की बड़ी बहन है ना, उसकी यहाँ बच्ची पैदा हुई है। तो अम्मा सैन इसमें कौन सी इतनी खुशी की बात है? बेटियों से खानदान थोड़ी बनते हैं। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती है। और आला सही इस रहमत से हर किसी को नहीं नवाजता। छोड़े अम्मा साहब, इसको तो बकवास करने की आदत है। दो बेटे क्या पैदा किए, खुद को पता नहीं क्या समझने लगी। तू सुबह सुबह अपनी जबान को दांतों के बीच में रख लेगा तो तेरी जजीरे कम नहीं हो जाएंगी। चलो। हाँ सही, फिर कब चले? भाई मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। क्या सही? आलम से हुई है मेरी बात, अगले महीने इम्तिहान है तो इसका मतलब है कि 2 महीने में हम लोग छुट्टी ले सकते हैं। हाँ सही, मैं भी आलम के सर पे सहरा देखने को बड़ी बेताब, पर ये मुझे इम्तिहान खत्म हो तो कोई बात हो ना। भाई जा रहे हैं तो रुखसती की तारीख भी ले आए। हाँ सही, ऐसा ही करे। तो ऐसा करके बच्ची के लिए, घर वालों के लिए और अपनी बहू के लिए तो कीमती चीजें खरीद ले। सही, मैंने ये सोचा है कि बच्ची के लिए सोने की बालियां और 2 कंगन अपने सुनारे से बनवा लो। बनवा ले। पता है मुझे कि तुझे पोती का बड़ा अरमान है। हाँ सही, पर पता नहीं क्यों शर्मिला को लड़कियों से नफरत है। छोड़ उसे, तू बस आज से खरीदारी शुरू कर ले ताकि चलने की तैयारी करेगा। सही, शर्मिला को भी ले चले। हाँ ले चलो, लेकिन उसको राजेब से कहो उसको समझा दे, वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात नहीं करे। सहर कहाँ है? अपने कमरे में सो रही है, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसे। राबिया, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। दरअसल बात ये है कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मगर मैं किसी ऐसे इदारे को नहीं जानती जहाँ से बच्चा अडॉप्ट करके मुझे दिली इत्मीनान और सुकून मिले, और उस बच्चे को भी कोई मुस्तकिल ठिकाना और उसका मुस्तकबिल समझ जाए। ये तुम्हारी आपा की सोच में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया? सब शहर का कमाल है। उसे देखने के बाद आपा ने भी ये फरमान जारी कर दिया कि उन्हें भी एक बच्ची चाहिए। क्या बात है, हमारी शहर ने तो इस दुनिया में आती ही नहीं क्या शुरू कर दी। इस तरह के इदारे को तो मैं भी नहीं जानती। हाँ, लेकिन शहाब ने एक दफा जिक्र किया था, वो नफीस साहब है ना, उनकी बेगम, वो एक अडॉप्शन सेंटर चलाती है। मैं उनसे बात करके तुम्हें बताती हूँ। ये तुम्हारा मुझ पे बहुत बड़ा एहसान होगा राबिया। अरे इसमें एहसान की कौन सी बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तानिया प्लीज जरा सबके लिए चाय बना के लाना। जी आप अभी लाई। चलो। अबू, राबिया आपी और सहर अभी तक घर नहीं पहुंची। आंटी का फोन था, वो बहुत परेशान है। या अल्लाह मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना। हेलो, क्या हुआ, तुम्हारी बहन मिली? तुम्हें कैसे पता कि मेरी आपी की तलाश हो रही है? दोबारा उस आदमी की कॉल तो नहीं आई? आई थी। अब क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो इस दफा मेरा बहुत बड़ा नुकसान करेगा। तुमने सुना है ना, खाली बर्तन बहुत बोलता है, उसकी भी वही मिसाल है। खुदा करे कि ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। मुझे ये सुन के बहुत खुशी हुई है कि आप लोग बच्ची अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इस इदारे के कुछ असूल भी हैं। बताइए। हम लोग इस बात की तसल्ली करना चाहते हैं कि जो वालिदैन बच्चे अडॉप्ट करना चाहते हैं वो इस जिम्मेदारी के काबिल हैं या नहीं, और साथ साथ इस बात की भी गारंटी लेना चाहते हैं कि अगर उनकी खुद की औलाद हो जाए तो इस बच्ची या बच्चे की जिम्मेदारी और कफालत से हाथ तो नहीं उठाएंगे। हमने काफ़ी डॉक्टरों और हकीमों से इलाज करवाया है, हर जगह से नाउमीदी हुई है। उन सब का कहना है कि हमारी अब औलाद नहीं मिल सकती। तो आप इस बात से तो बिल्कुल बेफिक्र रहें कि ऐसी कोई नौबत भी आएगी, बल्कि ये अडॉप्ट की हुई बच्ची हमारे लिए सब कुछ होगी, हमारी ज़िंदगी होगी। देखिए वो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें अपनी तसल्ली भी तो करनी है ना। आप अपने घर का एड्रेस, जहाँ आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, या फिर अगर उनका कोई अपना बिजनेस है, और अगर आप भी कहीं जॉब करती हैं, तो इन सबके एड्रेस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं आपको अभी देती हूँ, ये लीजिए। आप अच्छी तरह से अपनी तसल्ली कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि अब तो मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगी। थैंक यू सो मच। चले माशाल्लाह। रानिया, रानिया। जी अबू। रानिया देखो, मैं शहर के लिए कपड़े लेके आया। कैसे हैं? एक मिनट अबू, राबिया आप ही के घर से फोन। हेलो। नहीं तो क्या? क्या हुआ? अबू, राबिया आपी और सहर अभी तक घर नहीं पहुंची। आंटी का फोन था, वो बहुत परेशान है। कहाँ गई थी वो लोग? सुबह तो मारिया कह रही थी कि वो मुनज़्ज़ा आपी के साथ किसी इदारे में जाएंगी। मैंने आपको बताया था ना अबू कि मुनज़्ज़ा आपी बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं, और शहाब भाई के किसी जाने वाले नफीस साहब की मिसेस का इदारा है। तो तुम मुनज़्ज़ा के घर फोन करो ना, क्या पता वहाँ गई हो। जी अबू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुनज़्ज़ा आपी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो राबिया अभी आपके साथ है ना? थैंक यू, बस ऐसे ही पूछ लिया था। क्या कह रही है? मुनज़्ज़ा आपा तो कह रही हैं कि सुबह तक तो उन्हीं के साथ थी, लेकिन वापसी में वो मार्केट ड्रॉप हो गई। शहर के लिए उन्हें कुछ लेना था, और मुनज़्ज़ा आपी को अर्जेंट अपने ऑफिस जाना था। उसके बाद से उन्हें कुछ नहीं पता। या अल्लाह, मेरी बच्ची को अपनी अमान में रखना, पता नहीं कहाँ रखी। आंटी कह रही थी कि सबसे पहले उन्होंने हमें फ़ोन किया है। इसका मतलब शहाब भाई को कुछ नहीं पता। आप शहाब भाई को फ़ोन कर दें प्लीज़, उनका कोई जानने वाला हो जिन्हें हम ना जानते हो, और वो वहीं पे गई हों। मैं राबिया को फ़ोन करता हूँ पहले। लेकिन अबू, राबिया आप ही अपना फ़ोन घर पे ही भूल गई हैं। ये कैसी लापरवाह लड़की है, मुझे इससे ऐसी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। दो खातून आई थी, मिसेस वसीम और मिसेस शहाब। वो बता रही थी कि उनके शौहर नफीस भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाँ, शाहब से खासे पुराने ताल्लुकात। पर खैरियत, वो लोग क्यों आई थी? बच्ची अडॉप्ट करने आए थे। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? रोल के मुताबिक सारी मालूमात, एड्रेस, जो भी पूछना था वो पूछ लिया। वैसे देखने में कैसी लग रही थी? लग तो सही रही थी, लेकिन अब देखना ये कि उनके घर का माहौल कैसा है, कि उस बच्ची को अच्छा मुस्तकबिल मिल सकता है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती थी, आप लोगों का मशवरा ज़रूरी था मेरे लिए। अरे भाई, कल अगर हम ना हुए तब भी तो सारे फैसले खुद ही करोगी ना। अगर अब आप लोगों ने ये बात की ना, तो मैं आप लोगों से नाराज़ हो जाऊँगी। देखो भाई, मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं था। आप लोग तो जानते हैं कि जिंदगी के इस सफर में जो भी मेरे साथ नियत और खुलूस के साथ चला, वो मेरा साथ छोड़ के चला गया। या तो वक्त ने उसने मुझसे छीन लिया, या फिर मौत उसे छीन के ले गई। मैंने हर रिश्ते को टूटते हुए देखा, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको दूर जाते हुए देख सकूं। ओहो, निकली ना रिवायती भाभी, रुला दिया ना मेरी बहन को। अच्छा भाई, नन साहिबा माफ कर दीजिए मुझे, आइंदा ऐसी बात हरगिज भी नहीं करूंगी। ओके, चलो मुस्कुराओ ऐसे। अल्लाह तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा सलामत रखे। आमीन। जी, किस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवानी है आपको? डॉक्टर साहब, मेरी बीवी और बच्ची सुबह से लापता है, उन्हीं की रिपोर्ट दर्ज कराने हम लोग आपके पास आए। वो जी सुबह से लापता है और आपको अभी ख्याल आ रहा है? जी, सारा दिन ऑफिस में था, जैसे पता चला आपके पास मदद के लिए आ गए। मतलब ये कि आपकी बेखबरी की वजह से आपकी बीवी आपको चूना लगाकर निकल भागी। होश में रहकर बात करें, मेरी बीवी इस किस्म की नहीं है और भागने वाली औरतें बच्चों को साथ लेकर नहीं जाती हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी एक बाकिरदार लड़की है, हमें यकीन है कि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। वो जैसे कोई एक्सीडेंट या अगवा वगैरह हो सकता है। एक्सीडेंट का तो पता चल ही जाएगा, और जहाँ तक रही बात अगवा की, तो अगवा का भी हम पता लगा ही लेंगे। वैसे आप क्या करते हैं? मैं एक सरकारी मुलाजिम। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं तो फिर तो बात साफ है। क्या मतलब है? अगवा तो दो वजह से होता है, या तो सामने वाली पार्टी तगड़ी हो या फिर कोई दुश्मनी हो। अगर ये दो बातें नहीं है तो मैं यकीन से कहता हूँ लड़की अपनी मर्जी से भागी है और बच्चे को किसी कूड़े के ढेर पर फेंक गई। बस इंस्पेक्टर साहब, बहुत हो गया। हम आपके पास मदद के लिए आए थे, लेकिन आप सिर्फ लोगों की बेबसी का तमाशा और उनकी तकलीफों का मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आप अपने बेटे या दामाद को ये समझाएं कि पुलिस वालों से गुस्से में बात नहीं करें, वरना बंदे हम भी सीधा करना जानते हैं अच्छी तरीके से। देखिए, वो परेशानी में उसको गुस्सा आ गया है। आप प्लीज हमारी मदद करें तो जरा जल्दी पता चल जाएगा। हम आपके पास बहुत परेशानी में आए हैं। अच्छा, आप लोग बैठे, मैं देखता हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यूं अचानक से राबिया आपी और सहर का गायब हो जाना बड़ी अजीब बात है। अजीब बात है या किसी साजिश का हिस्सा? मतलब पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि इस अनहोनी के पीछे उसी आदमी का हाथ है जिसने मेरी जिंदगी अजीरन बना रखी है। एक तो वो शख्स तुम्हारे दिमाग में घुस गया है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है तुम आलम के बारे में इतना नहीं सोचती जितना उस शख्स के बारे में सोचती हो। तुम मेरी बात समझ नहीं रही मारिया। तो समझाओ। उसने मुझे कहा था कि वो कुछ दिनों में मेरा बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। उसने तो तुमसे ये भी कहा था कि वो कुछ दिनों में शहाब भाई को मार डालेगा, मगर माशाल्लाह से वो तो बिल्कुल ठीक है। बात असल में ये है कि तुमने इस बात पर ईमान की हद तक यकीन कर लिया है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी बुरा और गलत होगा वो सब उसी शख्स की वजह से होगा। तुम्हें मेरी किसी भी बात पे यकीन नहीं है, तो तुमसे तो बात ही करना फजूल है। हेलो, क्या हुआ? तुम्हारी बहन मिली? तुम्हें कैसे पता कि मेरी आपी की तलाश हो रही है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? बाबा, ऐसी बचकाना बातें पूछोगी तो हंसना तो बाबा बनता है ना। जिस बंदे को तुम्हारे घर के हर इंसान के बारे में पता हो, उसे भला ये बात कैसे पता नहीं होगी? क्या मतलब? तुम्हारी बहन और भांजी हमारे यहाँ मेहमान है, और एक अच्छे मेजबान की तरह इनकी तवाजा करने के बाद उनको घर भेज देंगे। मेरी बात सुनो। हेलो, हेलो, किसका फोन था? मैंने कहा था ना, इस साजिश में उसी का हाथ है। उस आदमी की कॉल ने मेरे शक की तस्दीक कर दी है। मारिया, राबिया आपी और सहर उसी के पास है। मैं क्या करूं? किसको कहूं? वो लोग पुलिस स्टेशन गए हैं। हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि राबिया आपी और सहर का अगवा हो गया है। किसने किया, क्यों किया, इन सब सवालों का जवाब है तुम्हारे पास। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। महज एक फोन कॉल सबूत नहीं होता। चलो मान लिया कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो फिर अब क्या किया जा सकता है? मैं आलम से तलाक ले लूंगी। मर्द की इज्जत औरत उसी वक्त होती है जब वो खुद बाइज्जत हो। अब्बू, मुझे आपको एक बात बतानी है। कौन सी बात? वो अजनबी आदमी मुझे कॉल करके मेरे और आलम के रिश्ते को तोड़ने के लिए फोर्स कर रहा था। राबिया आपी को अगवा करने की साजिश भी उसी ने की है। बाप जो भी हो जैसा भी हो, पर उसके नाम की अहमियत होती है इस माशरे में। मैं साहिर को जान सेब का नाम नहीं दूंगी। और राबिया आपी का अभी तक कुछ पता नहीं चला। लेकिन कॉल तो तुम्हारे सेल पे आई थी ना, तुम फोन करके पता तो करो। दिल में जो बस के सांसों का नाता ही तोड़ दे, बस में नहीं है ये भी के साथ उनका छोड़ दे। कैसा हिसार इश्क है, कैसी है जिंदगी, जीने का सिर्फ नाम है, ऐसी है जिंदगी।